सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, इमरान खान, असद कैसर, कासिम सूरी आर्टिकल 6 की जद में आ गए। हुकूमत ने गद्दारी रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया। वजारत कानून ने तैयारी शुरू कर दी। स्पीकर, डेप्टी स्पीकर तहरीक अदम एतमाद के अमल में वाज आइन शिकनी के मुर्तकिब हुए। गवर्नर पंजाब वजीर आला के मामले पर हल्फ की बजाय पार्टी के वफादार बने हुए हैं। रेफरेंस में मौकफ। नौ मुंतखब वज़ीर आला हमजा के इंतखाब को 12 रोज हो गए। वज़ारत आला का हलफ ना उठा सके। अदालती हुक्म के बाद सदर ने गवर्नर पंजाब को भी खत लिख दिया। उमर सरफराज चीमा हमजा से हलफ लेने को तैयार नहीं। सदर से जवाबी खत में कानूनी रास्ता पूछ लिया। मरियम नवाज कहती हैं आइन का मजाक उड़ाने वालों से सख्ती से निपटना चाहिए। पंजाब का ऐवान लगता दंगल सस्ता है, होता कुछ भी नहीं है। सूबाई असम्बली में आज भी रिवायत बरकरार रही। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद पर वोटिंग नहीं हो सकी। लीगी एमपीएस इंतजार करते रह गए। परवेज इलाही ने इजलास शुरू होने से पहले ही 16 मई तक मुलतवी कर दिया। कहा अदालत फैसला कर ले, असम्बली हमने चलानी है या पुलिस ने। ना अहली रेफरेंसेस पर 30 दिन में फैसला सुना देंगे। इलेक्शन कमीशन का पीटीआई के मुनहरे फरकान को 6 मई तक जवाब जमा कराने का भी हुक्म। इलेक्शन कमीशन मामले की शफाफ तहकीकात करेगा। मुनहरे रुकन रमेश कुमार का कहना है 63 एक ही बात की जा रही है लेकिन इसका कोई सबूत नहीं। तहरीक इंसाफ का बड़ा सियासी प्लान, 12 लाख आबादी के शहर में 20 लाख लोगों को ले जाने की तैयारियां। इमरान खान कहते हैं मुकाबले का वक्त करीब आ रहा है, कारकुनान नए इंतखाबात की तैयारी करें। शेख रशीद ने लबैक का नारा लगा दिया, कहा दुनिया देखेगी कि इस्लामाबाद में आवाम का समंदर होगा। मुल्क भर में शब दुआ की तैयारियां। आमदन से जायद असासे कैसे बनाए, अकाउंट में 847 मिलियन रुपए कहां से आए। नैब फरा खान के खिलाफ इंक्वायरी करेगा। डीजी नैब लाहौर को इंक्वायरी शुरू करने की हिदायत। फरा खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात भी की जाएंगी। फरा खान का नैब में पेश होने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब, दीगर रहनुमा भी हमराह। गवर्नर मदीना ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ उमरे की अदायगी और अहम मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान को 6 से 8 अरब डॉलर का रिलीफ पैकेज मिलने का भी इम्कान। उधार तेल भी मिलेगा। कोरोना के दौरान मुलाजमत से फारिग होने वाले पाकिस्तानियों की बहाली भी मुतवक्के। शब कदर की तलाश, हजार महीनों से बेहतर रात। मुल्क भर में 27वीं शब पर तिलावत कुरान पाक और नफली इबादत के लिए मसाजिद में खसूसी इंतजाम। मुसलमान अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए खसूसी नवाफिल अदा करेंगे और अपनी मगफरत और बख्शिश के साथ साथ पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए भी दुआएं मांगेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।